हम आपको एक दूसरे फल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने सुना होगा, कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सीताफल। सीताफल के बारे में जैसे आप ये देखो, ये इधर मेरे पीछे फल लगे हुए हैं। इस फल को पुरानी कथा के साथ भी जोड़ा गया है। ऐसा कहा गया कि जब भगवान राम वनवास पे गए थे तो वो सीता माता को यही फल खिलाते थे, इसलिए इसका नाम सीताफल पड़ गया। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि इस फल को ज़्यादा मात्रा में खाने से सर्दी जो लगती है, इसलिए इसको सीताफल कहा जाता है। सीता मीन शीत, जो हमें ठंडा करे। ठीक है जी, ये देखिए आप, इसका फल बाहर से देखने में खुरदरा होता है, ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से बीज और सफ़ेद गूदा निकलेगा। उस गूदे का जो स्वाद है वो बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और वही गूदा जो है हम खाने में प्रयोग करते हैं। उसकी बहुत जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इस फल की जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हमारी बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और अनेक तरह के इसके उपयोग हैं। तो अगर हम एक शब्द में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सीताफल बहुत से गुणों से भरा हुआ है, और ये फल जो है, ये जो हमारे रेन फेड एरियाज़ हैं वहाँ पर, देखिए आप ये पीछे देखिए कितनी अच्छी इसकी प्लांट की ग्रोथ है, कितनी अच्छी इसकी कैनोपी बनी हुई है, और ये देखिए पूरा फल से भरा हुआ है ये पौधा, ये देखिए।